आपने प्रदेश अध्यक्ष को इस सीट से बनाया प्रत्याशी, महापौर के बाद विधायकी पर लगाया बड़ा दांव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनावी घमासान चरम पर है। यहां पर भाजपा और कांग्रेस के साथ ही बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी भी खासी सक्रियता दिखा रही है। उन्होंने एक के बाद एक कई लिस्ट जारी कर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अब तक 70 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। सोमवार को आपने एक और लिस्ट जारी की है जिसमें सिंगल नाम का ऐलान किया है। इसमें नाम है प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल का, उन्हें सिंगरौली से प्रत्याशी बनाया गया है। रानी अग्रवाल सिंगरौली की महापौर हैं और आपको उनसे बहुत उम्मीदें हैं। सिंगरौली से उम्मीदवार बनाए जाने पर रानी अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उनमें विश्वास रखने और बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार। मध्य प्रदेश के सभी नेताओं और कार्यकर्ता साथियों को भी आभार जिन्होंने अपने आशीर्वाद और प्यार से मुझे सपोर्ट किया। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल महापौर के बाद अब विधायकी के लिए आपकी तरफ से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। रानी अग्रवाल ने पहला चुनाव 2014 में जिला पंचायत सदस्य के रूप में लड़ा और जीत हासिल की थी। रानी अग्रवाल 2018 में भी आम आदमी पार्टी से सिंगरौली सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ी चुकी हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से ही क्षेत्र में लगातार सक्रिय थी। रानी अग्रवाल के अपनी राजनीति के शुरुआत सरपंच के चुनाव से की थी, उसके बाद उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी रानी के बाद भी सिंगरौली से चुनावी मैदान में हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।